नमस्कार, यूपी लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना। राष्ट्रमंडल दल के नेता और प्रतिनिधि अयोध्या पहुंचे हैं। डीएम और एसएसपी ने किया राज्य अतिथियों का स्वागत। सभी राज्य अतिथि रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, राम की पौड़ी पर भ्रमण भी करेंगे। राज्य अतिथि कनक भवन और हनुमानगढ़ी पर टेकेंगे माथा। राम म्यूजियम का भी अवलोकन करेंगे राज्य अतिथि। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, राष्ट्रमंडल दल के सांसद और प्रतिनिधि अयोध्या पहुंचे हैं। डीएम और एसएसपी ने राज्य अतिथियों का स्वागत किया है। सभी राज्य अतिथि रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और राम की पौड़ी पर भ्रमण भी करेंगे राज्य अतिथि। महेंद्र त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। महेंद्र, राष्ट्रमंडल दल के सांसद और प्रतिनिधि जो हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, उनके कार्यक्रम में कई सारी चीजें शामिल हैं, क्या कुछ वो चीजें हैं जानना चाहेंगे आपसे महेंद्र। देखिए, कुल मिला के अयोध्या दर्शन है और अभी राष्ट्रमंडल की जो पूरी टीम है वो अयोध्या पहुंची है। कनक भवन का दर्शन किया है, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया है और लगभग 2 बजे रामलला का दर्शन वो करेंगे। सबसे खास बात यह है कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो नहीं आए हैं। उनके आने की पूरी सूचना थी लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो लखनऊ से ही वापस चले गए हैं। तो पूरा ये कार्यक्रम जो है राम भक्ति का है, क्योंकि राम मंदिर पे जब से फैसला आया है तब से सभी जगह पूरे देश में हलचल है। इसी तरह से राष्ट्रमंडल की जो टीम आई है अयोध्या देखना चाहती, रामलला का दर्शन करना चाहती और अयोध्या पर पूरा वो अध्ययन करना चाहती कि किस तरीके की अयोध्या है जहाँ पे राम मंदिर बनना है। इसी तरीके की वो लोग अपनी जो है यहाँ आकर के भावनाएं प्रकट कर रहे हैं और इस तरह से दर्शन कर रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।